सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन सहायता को और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए हर रोज लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूसीबी मीडिया पे सस्पेंड हुए आर्टिकल को पब्लिश कैसे करते हैं। और यदि आप मोबाइल से यूसीबी मीडिया पे काम करते हो और आपको मोबाइल में यूसीबी मीडिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाला है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने मोबाइल से यूसीबी मीडिया पे काम करने पे जो प्रॉब्लम आती है उनके बारे में बताया है। ओके, तो देखिए जब भी आपका कोई आर्टिकल सस्पेंड होता है तो देखिए यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन में आपको उसके बारे में बता दिया जाता है, या फिर जब आप पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हो उस आर्टिकल के आगे ये जो डॉट है ये ग्रीन के बजाय आपको रेड मिलेगी। ओके, तो देखिए अब आपको करना क्या है, इस आर्टिकल के सामने यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए ऊपर रेड कलर में आपको आपका आर्टिकल क्यों रिजेक्ट हुआ है उसका रीजन यहाँ पे बताया जाता है। तो आपको अपने आर्टिकल रिजेक्ट होने का रीजन को अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद रीजन के अनुसार जहाँ पे आपने गलती की है उसको सुधार लेना है। ओके, जैसे कि देखिए मेरा जो आर्टिकल है वो क्यों सस्पेंड हुआ है उसका रीजन यहाँ पे ये बता रखा है। इस न्यूज का जो टाइटल है वो मैंने गलत डाल दिया है, जो कि यूसीबी मीडिया के गाइडलाइंस के अनुसार नहीं है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, हैरान रह जाओगे, आप किसी भी टाइटल के आगे इस तरह का वर्ड नहीं डाल सकते हो। जब आप यूसीबी मीडिया के गाइडलाइंस को देखोगे तो उसके अंदर इसके बारे में साफ साफ बता रखा है। तो अब मुझे इसे पब्लिश करने के लिए इसको यहाँ से हटाना होगा और इसकी जगह पे मुझे कुछ और डालना होगा, या फिर मुझे इस पूरे ही टाइटल को यहाँ से चेंज करना होगा। ओके, उसके बाद मैं इसे सेव करके पब्लिश करूंगा तो मेरा जो ये आर्टिकल है ये पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने सस्पेंड हुए आर्टिकल को पब्लिश करवा सकते हो। और देखिए यदि यहाँ पे कोई गलत रीजन दे रखा है, यानी कि आपने अपना आर्टिकल बिल्कुल सही से डाल रखा है और यहाँ पे कोई गलत रीजन से आपका जो आर्टिकल है वो सस्पेंड कर दिया जाता है, तो आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड कॉर्नर में नीचे क्वेश्चन मार्क का आइकन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड कॉर्नर में नीचे आपको फीडबैक का ऑप्शन मिलता है, ओके, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपका जो आर्टिकल है वो गलत वजह से सस्पेंड किया गया है, गलत रीजन से सस्पेंड किया गया है, तो आपको उनको ये बताना होगा यहाँ पे। ओके, तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, और आपका जो आर्टिकल है वो गलत रीजन से सस्पेंड किया गया है तो वो रीजन यहाँ पे बता दीजिए, और अपने आर्टिकल टाइटल आपको यहाँ पे देना होगा, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे बतानी होगी, या फिर आप अपने आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि आपका जो आर्टिकल है वो यहाँ पे गलत रीजन से सस्पेंड कर दिया गया है, तो आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, और अपना रीजन डिस्क्रिप्शन में बताने के बाद अपलोड इमेज के अंदर आपको वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डाल देनी है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद 48 घंटे के अंदर या फिर इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है, आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उसे ठीक कर दिया जाएगा, या फिर आपका जो आर्टिकल है वो गलत रीजन से सस्पेंड किया गया है तो उसे पब्लिश कर दिया जाएगा, या फिर आपको उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या करना है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद 24 घंटे या फिर 48 घंटे के बाद दोबारा से आपको इस पेज पे आ जाना है। ओके, और यहाँ पे देखिए माय फीडबैक पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो फीडबैक का जो आंसर होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालोगे उसके ऊपर आपको मेल भी भेजा जा सकता है, या फिर होम पेज पे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के अंदर जब आपके फीडबैक का आंसर दिया जाएगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, यदि आप यूसी न्यूज के अंदर मेरा चैनल देखना चाहते हो और जानना चाहते हो कि मैं न्यूज किस तरह से डालता हूँ, तो आपको यूसी न्यूज का ऐप ओपन करना है और यहाँ पे देखिए आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है ऑनलाइन सहायता और इसे सर्च कर लेना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन सहायता का चैनल मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप मेरी सभी न्यूज को देख सकते हैं। और ऑनलाइन सहायता चैनल को फॉलो करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक ऑनलाइन सहायता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपको मोबाइल में यूसीबी मीडिया पे काम करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाला है, आप उस पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपके कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो के नीचे दिखाई देंगे, या फिर इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो।